नहीं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ये सब कंस्ट्रक्शन नए बने हैं और जिस तरह से जो दिखने को मिल रहा है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, इस पर जांच बिठानी चाहिए। आप लोग नीट के सवाल को आज संसद में उठाएंगे, नीट को लेकर सब सवाल उठाए जाएंगे, जनता से जुड़े हुए सारे मुद्दे संसद में उठाएंगे। अब देखिए, मौसम अच्छा हुआ है लेकिन सवाल ये है कि बहुत विकास के वादे होते हैं दिल्ली में, दिल्ली सरकार ने भी की, केंद्र सरकार ने भी, उसका बुनियादी सच ये है जो आपके सामने। टर्मिनल वन पे एयरपोर्ट पे रूफ कोलैप्स हो गया है, बहुत सारे लोग इंजर्ड। टर्मिनल वन पे भी मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि कुदरत उन सबको स्वस्थ रखे। उसके साथ अब मेट्रो के भी जो है ना, मेट्रो भी जहां सब उनकी छतें चूरी हैं और सड़कों के बहुत बुरे हाल हैं, ऐसा लगता है कि नाव रखनी पड़ेगी। तो ये हमारी जो, अगर दिल्ली का ये हाल है तो हम गांव में देखिए क्या होगा, कस्बों में क्या होगा। तो मैं यही समझाना चाहता हूं, एक योजना है सरकार की, जल नल योजना, 2 साल से सड़कें खोद के डाल रखी है पाइप बिछाने के लिए कि हम पानी पहुंचा रहे हैं, तो पानी तो पहुंचा नहीं लेकिन सड़कें खुदी हुई, उससे लोगों के दांत टूट जाते हैं, किसी का सर फूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का और कहीं चोट लग जाती है। तो सरकार को जनता के बारे में सोचना चाहिए। हम एमपी एमएलए को तो सुविधा मिल जाएंगी लेकिन जनता को सुविधा मिले इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए लड़ रहे हैं हम लोग, नीट पे इसलिए आवाज उठा रहे हैं कि सरकार जो है इस बात पर जवाब दे कि ये सिर्फ बोलने से काम चलेगा, इस पर धरातल पर क्या, उन बच्चों को कौन जवाब देगा, यहाँ क्या चल रहा है कैसे पता लगेगा। तो बुनियादी काम और जो जिम्मेदारी है लोकतंत्र की रक्षा की और संविधान रक्षा की, उसका दायित्व निभाना है। नहीं, सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट की घटना जो है तो है, अभी 2 दिन पहले आप देखिए कि एक दिन पहले जबलपुर एयरपोर्ट की सिचुएशन आप देखिए, तो देश में सारे एयरपोर्ट्स की सिचुएशन नहीं है, व्यवस्था चरमरा गई है। और आज इतना बड़ा हादसा होना बहुत ही शर्मनाक है, पहली बारिश में ही दिल्ली में टर्मिनल वन पर छत गिरे और लोग मर जाएं, ये इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। देश की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर का तमाशा बना के रख दिया है, देश की रेलवेज जो हैं वो किस बदहाली के साथ चल रही हैं, उनके हादसे हो रहे हैं, लोग किस बुरी तरह सफर कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स की स्थिति ये है। ये सरकार पूरी तरह से विफल है और इस सरकार के मंत्रीगण, न तो उनके अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज बची है, न वो कोई जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। मंत्री वहां पर मौके पर गए हैं, अभी खुद एयरपोर्ट पे मौजूद हैं, वहां पे जायजा ले रहे हैं। आप हादसा होने के बाद तो अश्विनी वैष्णव जी भी जाते हैं फोटो शूट कराने के लिए, तो फोटो शूट के अलावा और क्या करने गए? आपको पहले से नहीं पता है कि आप व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करिए? जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये टर्मिनल वन गिरा है, 10 साल से रख रखाव उनका था, उन्होंने देखा था, और उसके बाद भी ये हालत थी कि एक बारिश नहीं झेल पाई। मोदी सरकार का भी यही हाल होगा, पूरी तरह वही जिम्मेदार है।